अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को स्टडी किया था और उसके थ्रू हमने बॉक्स मॉडल की जो विड्थ का इशू होता है कि पैडिंग और बॉर्डर ऐड करने से एलिमेंट की विड्थ और हाइट इंक्रीज हो जाती है, उस इशू को रिजॉल्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, CSS सेलेक्टर्स स्पेसिफिसिटी। बेसिकली इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप एफिशिएंसी के साथ ये चीज कैलकुलेट कर सकेंगे कि दो अगर CSS के रूल्स लगाए हैं तो दोनों को क्या वेट असाइन हो रहा है। ये दो से तीन टर्म्स हैं जो इंटरचेंज बोली जाती हैं। CSS सेलेक्टर्स स्पेसिफिसिटी बोला जाता है, CSS सेलेक्टर्स वेट बोला जाता है, CSS सेलेक्टर्स इंपॉर्टेंस बोला जाता है और CSS सेलेक्टर्स पावर बोला जाता है। मैं इस लेक्चर में ज्यादातर वेट का वर्ड यूज करूंगा कि इस CSS सेलेक्टर को क्या वेट असाइन हो रहा है। ये चीज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी CSS सेलेक्टर का जो वेट है उसको कैलकुलेट कर सकेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बता सकेंगे कि कौन सा CSS सेलेक्टर अप्लाई होगा इस एलिमेंट पर। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और लास्ट वीडियो में हम यहां तक कवर कर चुके हैं। साथ ही मैं कोड एडिटर भी ओपन कर लूंगा और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक शीट क्रिएट की है जो कि हमारा रेफरेंस शीट के तौर पर काम आएगी। ये शीट आप इन दोनों URL में से किसी भी एक URL से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट URL बनाया हुआ है css-sws जो कि स्टैंड करता है सेलेक्टर्स वेट शीट। यहाँ पर जो चीजें मैंने मेंशन की हैं वो डिफरेंट CSS सेलेक्टर्स के वेट मेंशन किए हैं। इस शीट पे मैं अभी वापस आऊंगा और जो चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो है CSS सेलेक्टर्स ऑर्डर, या इधर सेलेक्टर्स की जगह CSS प्रॉपर्टीज ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में हम प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं वो मैटर करता है, मैटर्स। उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन CSS वर्सेस इंटरनल CSS वर्सेस एक्सटर्नल CSS, इन तीनों में से कौन सी CSS को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और कौन सी CSS दूसरी CSS को ओवरराइड कर सकती है। फिर हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि किस CSS सेलेक्टर को क्या वेट असाइन होता है, वेट वेट फॉर डिफरेंट CSS सेलेक्टर्स, ये स्टडी करेंगे और लास्टली मैं आपको एग्जाम्पल्स शो करवाऊंगा जिसके थ्रू हमने जो भी स्टडी किया होगा उसको प्रॉपरली कवर करेंगे। ये चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं CSS सेलेक्टर्स/प्रॉपर्टीज ऑर्डर मैटर्स। जैसे कि ये चीज नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब हम CSS के कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर करता है। यहाँ पर मैं style.css को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ तक हमने लास्ट कवर किया था। यहाँ से अब मैं इसे रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे आके इसका कोड भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक h1 ऐड करूंगा और उसमें ज़ायंस ऐड करके सेव करूंगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास बाई डिफॉल्ट आ रहा है। वापिस आ जाऊंगा कोड एडिटर में और यहाँ पर मैं एक सिंपल रूल ऐड करूंगा टैग नेम को यूज करते हुए h1, और मैं इसका कलर असाइन कर दूंगा रेड। सेव करूंगा, यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं सेम रूल को कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा और यहां पर इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर दूंगा। यहां पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि CSS की प्रॉपर्टीज जिस ऑर्डर में लिखी जाती है वो मैटर करता है, क्योंकि CSS पहले इस रूल को रीड करेगा और इसकी CSS जो अप्लाई करनी है स्टाइलिंग वो अप्लाई करेगा और बाद में इस रूल को रीड करेगा और इसमें जो स्टाइल रूल डिफाइन है उनको अप्लाई करेगा। क्योंकि ये सेलेक्टर बिल्कुल सेम है और ये चीज मैटर करती है कि जो सेलेक्टर है उसका सेम होना उसके वेट का मेन जो चीज है यहाँ पर वो वेट है, और ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन इन डेप्थ में करूंगा कि हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका वेट अगर इक्वल हो दोनों सेलेक्टर्स का तो बाद में आने वाले सेलेक्टर में जो प्रॉपर्टी डिफाइन की होती है वो अप्लाई हो जाती है।
अभी आसान अल्फाज में, क्योंकि ये सिलेक्टर और ये सिलेक्टर बिल्कुल सेम है, इस वजह से बाद में जो मैंने कलर की वैल्यू डिफाइन किया वो पहले वाली कलर की वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। मैं सेव करता हूं, यहां पर आके रिफ्रेश करता हूं, तो ये चीज यहां पे प्रूफ हो गई। इसी के साथ हमारा ये जो पॉइंट है ये कवर्ड हो गया, डन। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे इनलाइन सीएसएस वर्सेस इंटरनल सीएसएस वर्सेस एक्सटर्नल सीएसएस, कि इन तीनों में क्या रिलेशन है और कौन सी सीएसएस हम लिखी हो तो वो दूसरी सीएसएस को ओवरराइड कर देती है और इनका ऑर्डर किस तरह मैटर करता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एचटीएमएल की फाइल में आऊंगा और H1 टैग पे स्टाइल का एट्रीब्यूट दूंगा ताकि मैं इनलाइन सीएसएस ऐड कर सकूं। यहां पे मैं इसका फॉन्ट साइज कंट्रोल करूंगा और उसे सेट कर दूंगा 100 पिक्सल, सेव, और यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं अप्लाई हो गया, क्योंकि अभी इसका और कोई भी रूल इसके साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा। अब मैं यहां पर इंटरनल सीएसएस ऐड करूंगा जो कि मैं इस कस्टम सीएसएस के बाद एक टैग ऐड करूंगा स्टाइल, और इसमें मैं इस H1 टैग को सिलेक्ट करूंगा यूजिंग टैग सिलेक्टर। मैंने H1 लिखा और पैरेंथेसिस स्टार्ट किए और यहां पर बेसिकली मैंने इसका फॉन्ट साइज लिखा 200 पिक्सल। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी जो सीएसएस रूल है वो अप्लाई होगा, ये इनलाइन वाला या इंटरनल सीएसएस रूल? यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इनलाइन सीएसएस रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि जो इनलाइन सीएसएस रूल होता है इसकी इंपॉर्टेंस बाकी तमाम रूल से ज्यादा होती है। मीन जो मैंने यहां पर डिफाइन किया है वो इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं अगर एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल में आके यहां पर इस रूल में फॉन्ट साइज डिफाइन करता हूं 300 पिक्सल, कि अभी भी इनलाइन सीएसएस का रूल ही अप्लाई हो रहा है, इससे ये डिफाइन हो गया। यहां पे मैं एक कमेंट ऐड कर दूंगा कि इनलाइन सीएसएस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ग्रेटर देन इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस, ये डिफाइन हो गया। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं, ये देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस ज्यादा मैटर करती है या एक्सटर्नल सीएसएस ज्यादा मैटर करती है। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये चीज हमने पहले से कवर कर लिया है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है कि डोंट यूज इनलाइन सीएसएस, और यहां पर आपने उसका रीजन भी देख लिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इनलाइन सीएसएस ऐड करेंगे तो हम इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हुए उसे ओवरराइड नहीं कर सकेंगे। एक हमारे पास स्पेशल केस है जो कि मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास वो स्पेशल केस क्या है। एक हमारे पास स्पेशल केस है जिसको यूज करते हुए हम एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस के थ्रू इनलाइन सीएसएस को ओवरराइड कर सकते हैं, वो मैं आपको इस पॉइंट के बाद एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मैं ऐड कर देता हूं स्पेशल केस टू ओवरराइड इनलाइन सीएसएस यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, ये मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहां पे वापस आ जाता हूं और यहां से मैंने इनलाइन सीएसएस अभी के लिए रिमूव कर दी। यहां पर आके मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अभी इंटरनल सीएसएस का रूल यहां पर अप्लाई हुआ है, और क्योंकि बेसिकली फॉन्ट साइज 200 पिक्सल इस तरह मैं चेक नहीं कर सकता, तो मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करके यहां से आपको कंफर्म करवा दूंगा कि ये यहां पर 200 पिक्सल अप्लाई हुआ है ना कि 300 पिक्सल। और ताकि हम विजुअली इजीली इसको चेक कर सकें मैं वापस आ जाऊंगा कलर पे, मैं यहां पर भी कलर सेट कर दूंगा ताकि मैं इजीली चेक कर सकूं, और यहां पे करंटली ग्रीन अप्लाई है तो मैं यहां पर पर्पल कलर अप्लाई कर दूंगा। सेव करूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर अप्लाई हो गया, और क्योंकि मैंने यहां से फॉन्ट साइज हटा दिया है तो ये वाला फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया 300 पिक्सल। मैं इसको रिमूव कर दूंगा और ये रूल भी रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक रूल है यहाँ पर H1 का जो कि कलर ग्रीन सेट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एक रूल है H1 का जो कि कलर को पर्पल सेट कर रहा है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर सेट हो रहा है। लेकिन ये बेसिकली इस वजह से नहीं है कि इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, यहां पर हमारा ये पहला रूल अप्लाई कर रहा है।
कि ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि ये इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल के बाद मैंने लिखी है, इस वजह से ये बेसिकली एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले ये रूल स्टडी होता है, अप्लाई होता है, उसके बाद ये स्टडी होता है, अप्लाई होता है, और इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी असाइन हो रही है। अगर मैं इसको यहां से कट करके ऊपर लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं कस्टम एक्सटर्नल सीएसएस, और यहां पर मैं लिख देता हूं कस्टम इंटरनल सीएसएस, यहां पे पेस्ट करता हूं। अब क्योंकि इंटरनल सीएसएस पहले आ रही है और बाद में एक्सटर्नल सीएसएस आ रही है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम ही है। इनमें जो इंपॉर्टेंस मैटर करती है वो सिलेक्टर के वेट पे डिपेंड करती है, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो चुका है यहाँ पे कलर। मीन सिर्फ और सिर्फ इनलाइन सीएसएस है जो इंटरनल और एक्सटर्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस आपस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल है, उनका ऑर्डर मैटर करता है और उनके सिलेक्टर्स का वेट मैटर करता है कि सिलेक्टर का वेट क्या है और उनका ऑर्डर क्या है, पहले इंटरनल सीएसएस है या पहले एक्सटर्नल सीएसएस है। इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया, यहाँ पर मैं डन लिख दूंगा। नेक्स्ट अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊंगा जिसको यूज करते हुए मैं इनलाइन सीएसएस को ओवरराइड कर सकता हूं यूजिंग इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस। बेसिकली सीएसएस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट का कीवर्ड होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके आगे यहां पे लिख देता हूं ये एक्सप्लेनेशन मार्क और इंपॉर्टेंट। ये एक स्पेशल केस है कि ये मैं जहां पर ऐड करूंगा उस सीएसएस को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। ओके, कुछ मैटर नहीं करेगा इस, जब मैं ये कीवर्ड लिख दूंगा सीएसएस किसी भी सीएसएस के रूल में, चाहे वो इनलाइन हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, फिर ये चीज टोटली इग्नोर हो जाएगी कि उसका वेट क्या, उस सिलेक्टर का वेट बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, और ये चीज हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। यहां पे मैं इनलाइन सीएसएस को वापस ऐड करता हूं स्टाइल के साथ और मैं कलर पे ही काम करता हूं अभी के लिए। मैं इसका कलर यहां पर सेट कर देता हूं ऑरेंज, और आपने गेस कर लिया होगा कि अभी ऑरेंज अप्लाई होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की सीएसएस पे, इनलाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। मैं सेव करूंगा, यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे ऑरेंज हो गया, लेकिन हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये बेसिकली जो भी वैल्यू लिखनी होती है प्रॉपर्टी की वो वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देके एक्सप्लेनेशन मार्क और इंपॉर्टेंट। ये देखें ऑटो कंप्लीट भी मिल रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये सीएसएस का स्पेशल केस है। मैं इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो ओवरराइड हो गया। ओके, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट का कीवर्ड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, और हम थ्रू आउट द कोर्स इसको पूरी तरह अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी पूरी सीएसएस में कहीं पे भी इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं जब हम थर्ड पार्टी सीएसएस पैकेजेस को यूज कर रहे हो और उन्होंने कोई सीएसएस ऐड कर दी हो जो हम किसी सिलेक्टर के वेट की बिना पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो इनलाइन सीएसएस के थ्रू ऐड की हुई थी, तो फिर हम इंपॉर्टेंट के कीवर्ड से उसको ओवरराइड करते हैं। सिर्फ वो एक वैलिड यूज केस है जब हम खुद अपनी सीएसएस अपने वेब पेज के लिए लिख रहे हो तो हम इंपॉर्टेंट का कीवर्ड बिल्कुल यूज नहीं करते। दो स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन हो गए, एक इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करनी, दूसरा इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज नहीं करना। और होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कि अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी इनलाइन सीएसएस अप्लाई हुई है, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट का कीवर्ड लगा दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी। ओके, लेकिन ये हम यूज नहीं किया करेंगे, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे शो कर दिया कि ये एग्जिस्ट करता है और इसको यूज करते हुए हम बाकी जो सीएसएस है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। जब हम ये लगाएंगे तो फिर और कोई चीज मैटर नहीं करेगी कि सीएसएस सिलेक्टर, ये जो सिलेक्टर है इसका वेट क्या है, या इनलाइन है या आउटलाइन है, कुछ मैटर नहीं करेगा। एक मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब यूज केस बता देता हूँ कि अगर मैं इनलाइन सीएसएस पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दूंगा तो अब ये सीएसएस किसी भी तरह ओवरराइड नहीं कर सकते हम। ओके, किसी और सीएसएस रूल को यूज करते हुए ये अब सीएसएस ओवरराइड नहीं हो सकेगी, हमको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस सीएसएस को रिमूव करना पड़ेगा और फिर हम कुछ और सीएसएस इसको लगा सकेंगे कलर की। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये मैंने यहाँ पर
इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पे भी लगा हुआ है, इस वजह से इनलाइन सीएसएस की इंपॉर्टेंस पहले ही ज्यादा थी, फिर उस पे इंपॉर्टेंट का टैग भी लग गया, कीवर्ड भी लग गया, अब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो गई है। इस वजह से ये चीज जो है काफी ज्यादा बैड प्रैक्टिस में आती है। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा और यहां से भी इसे रिमूव कर दूंगा, और अभी के लिए इंटरनल सीएसएस अप्लाई होगी। रिफ्रेश, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई हुई है, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करता है। मैंने इंटरनल सीएसएस कह दिया था, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस बाद में आ रही है, इस वजह से इंटरनल सीएसएस अगर इसके बाद लिखी होती जो कि नॉर्मल यूज केस होता है, तो फिर इंटरनल सीएसएस ही अप्लाई होनी थी। यहां पर यह भी हमारा यूज केस कवर हो गया, यहां पर मैं डन लगा देता हूं। और नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे वेट्स ऑफ डिफरेंट सीएसएस सिलेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आज की वीडियो में। मैं यहां पर index.html में आ जाऊंगा और इस चीज को यहां से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जैसे हमने ये रूल पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि हम अपने पूरे कोर्स में सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस को ही यूज करेंगे, ना हम इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे ना ही इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे। इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक यूज केस होगा तब। मोस्टली हम सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करेंगे। मैं इसको सेव कर दूंगा यहां पर और यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो ये डिफॉल्ट पे अब प्रॉपरली सेट हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस शीट से, और ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर दी कि हमारी इनलाइन सीएसएस को हाईएस्ट वेट है, कि उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इंपॉर्टेंट के कीवर्ड के बाद। नेक्स्ट अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे टैग नेम, आईडी, क्लास और एट्रीब्यूट, इन तीन को अब हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये बाकी जो तीन से चार रह गए उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जो टैग नेम के साथ हम सिलेक्टर बनाते हैं उसको जो वेट असाइन होता है वो वन वेट, वन का यूनिट असाइन होता है, एक वेट असाइन होता है। अगर मैं आईडी का कोई सिलेक्टर बनाता हूं किसी एलिमेंट के लिए तो उसको 100 वेट असाइन होता है। अगर क्लास का सिलेक्टर बनाता हूं तो उसको 10 वेट असाइन होता है। अगर एट्रीब्यूट का कोई सिलेक्टर बनाता हूं तो उसको 10 वेट असाइन होता है, और उसके बाद जो बाकी है वो हम बाद में अभी स्टडी करेंगे। यहां पर आके मेरे पास ये है H1 सिलेक्टर, मैं इसको एक आईडी दे दूंगा H1 की, H1 आईडी। उसके बाद मैं इसको एक क्लास दे दूंगा H1 क्लास। उसके बाद मैं इसको एक एट्रीब्यूट दे दूंगा Zions कस्टम, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर दूंगा H1 एट्रीब्यूट। ओके, ये मैंने चीजें यहां पर डिफाइन कर दी। सेव करूंगा और यहां पर आ जाऊंगा सीएसएस की फाइल में। सबसे पहले मैं आईडी से स्टार्ट करूंगा, वो क्योंकि यहां पर मेंशन है। टैग नेम हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि टैग नेम कैसे काम करता है, सिंपल टैग नेम लिखा और सीएसएस अप्लाई कर दी। नेक्स्ट यहां पर मैं आईडी सिलेक्टर से स्टार्ट करूंगा H1 आईडी, और इसको मैं कलर दे दूंगा रेड। सेव करूंगा और यहां पर अब मैं वेट्स मेंशन करता जाऊंगा आपकी आसानी के लिए। इसको जो वेट असाइन हो रहा है वो असाइन हो रहा है 1 का, और इसको जो वेट असाइन हो रहा है वो है 100 का। बहुत ही सिंपल ये रूल है, वेट से सीएसएस अप्लाई होती है। अगर कोई दो रूल का वेट सेम होगा तो जो बाद में रूल लिखा जाएगा वो सीएसएस अप्लाई होगी, और अगर दो रूल्स का वेट मैच नहीं करता जैसे ये यूज केस है, तो जिस सीएसएस रूल का वेट ज्यादा होगा, इस चीज से मैटर नहीं करता कि वो पहले लिखी है या बाद में लिखी है, लेकिन जिसका वेट ज्यादा होगा वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। यहां पर इस सीएसएस सिलेक्टर का वेट 100 है और इस सीएसएस सिलेक्टर का वेट 1 है, क्योंकि यहां पे सिर्फ टैग नेम लिखा है, यहां पर आईडी लिखा है। अगर मैं यहां पर टैग नेम प्लस आईडी कर दूंगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 100 आईडी का लगेगा प्लस 1 इस टैग नेम का लगेगा, तो टोटल जो वेट इसको असाइन होगा 101 होगा। अभी के लिए सिर्फ सिंपल आईडी से कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो कि वेट ज्यादा है तो इसका सीएसएस रूल अप्लाई होगा, इसमें अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें पहले वेट मैटर करता है। जब वेट सेम हो जाए दोनों सिलेक्टर्स का तब ऑर्डर मैटर करता है। यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये हो गया, और वो ऑर्डर वाली बात मैं फिर बता देता हूं। यहां पे मैं सेम रूल अप्लाई करता हूं और इसको मैं पर्पल कर देता हूं, क्योंकि अब वेट दोनों को 100 मिल रहा है और यहां पर पर्पल है, ये बाद में आ रहा है, तो अब ये अप्लाई होगा। सेव, रिफ्रेश, तो ये अप्लाई हो गया। लास्टली वो जो मैंने यहां पर कंपाउंड सिलेक्टर बनाया था H1 मैंने ऐड कर दिया, तो इसमें
आईडी का 100 वेट मिला और प्लस 1 मुझे मिला टैग नेम का वेट, जो कि यहां पे मैंने डिफाइन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, टैग नेम को 1 मिलता है, तो इसको टोटल वेट 101 मिल गया। अब ये वाला रूल अप्लाई होगा, सेव रिफ्रेश तो आपके सामने है। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास के साथ, डॉट एच वन क्लास, और इसको मैं बेसिकली कलर असाइन कर दूंगा। यहां से मैं कोई एक कलर चूज कर लूंगा, मैंने यहां से एक्वा कलर चूज कर लिया, सेव करूंगा और सबसे पहले मैं यहां पर वेट लिख दूंगा। यहां से आप देख सकते हैं कि आईडी को जो वेट क्लास को जो वेट असाइन होता है वो है 10। यहां पर मैंने लिख दिया कि जो इसे वेट असाइन हो रहा है वो है 10। तो होपफुली आपने गैस कर लिया होगा कि अभी इस पूरे रूल्स में सबसे ज्यादा वेट किसका है, वो इस रूल का है 101। तो ये रूल ही अभी अप्लाई होगा। यहां पे रिफ्रेश करूंगा, अभी भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। मैं यहां से बेसिकली इसको कमेंट कर दूंगा ताकि मैं क्लास का जो रूल है उस पर जा सकूं। आईडी का क्योंकि 100 वेट है, तो अगर मैं सिर्फ आईडी लगा के रखूंगा तो ना मैं आपको क्लास एक्सप्लेन कर सकूंगा ना ये, तो मैं अभी के लिए आईडी के जो रूल्स हैं उनको कमेंट आउट कर रहा हूं। यहां पर ये क्योंकि कमेंट यहां पे बंद हो रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। मैं यहां पे स्पेस ऐड कर दूंगा ताकि ये सिंपल करेक्टर्स माने जाए और यहां पर जाके कमेंट बंद हो। इसको भी कमेंट कर दूंगा और यहां पे भी स्पेस ऐड कर दूंगा, सॉरी यहां पर स्पेस ऐड कर दूंगा, सेव करूंगा और अब इसको वेट असाइन हो रहा है 1 और क्लास वाले सिलेक्टर को वेट असाइन हो रहा है 10। सेव करके यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं क्लास वाला सिलेक्टर ऐड हो रहा है। एक दफा क्लास के साथ भी मैं दूसरा टैग नेम को ऐड करके दिखा दूंगा, डॉट एच वन क्लास, और होपफुली यहां पर एच वन आएगा। आपने गैस कर लिया होगा कि इसका टोटल वेट क्या है। ये बेसिकली आपका एक स्मॉल टेस्ट है। मैं यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ, कलर यहाँ पर बेसिकली मैं ब्राउन ऐड कर देता हूँ। ये स्मॉल आपका टेस्ट है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख के दिखाएंगे इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। यहाँ पर बेसिकली क्लास का जो वेट असाइन से हो रहा है वो 10 है और टैग नेम का 1 असाइन हो रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 11। तो इसका वेट अब क्योंकि ज्यादा हो गया है, अगर मैं इसको ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। तो इस वजह से मैं यहां पर आके रिफ्रेश अप करूंगा तो ये रूल अप्लाई होगा। ओके, अगर मैं इसके साथ एक आईडी को ऐड कर देता हूं, यहां पर मैं एक आईडी ऐड कर देता हूं जो हमारे पास है आईडी, तो अब इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा। जी बिल्कुल, 10 जो हमारा वेट है वो है क्लास का और प्लस 100 इक्वल टू 110। टोटल जो इसको वेट असाइन हो गया वो 110 है। 100 आईडी का वेट असाइन हो रहा है और 10 वेट असाइन हो रहा है क्लास का। दोनों को हम सम अप कर देंगे वो इस सिलेक्टर का टोटल वेट हो जाएगा। अब अगर मैं इस वाले सिलेक्टर को अनकमेंट भी कर देता हूं यहां से और इसे बेसिकली स्पेस को दोबारा ऐड कर देता हूं ताकि वो करेक्ट हो जाए, सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये असाइन हो रहा है क्योंकि इसका 110 वेट है और इसका वेट सिर्फ 101 है। इस वजह से ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। मैं इन रूल्स को अभी के लिए यहां से बेसिकली कमेंट आउट कर दूंगा और इन्हें भी कमेंट आउट कर दूंगा। यहां पर रिफ्रेश करूंगा और अभी जो हमारा रूल सिर्फ अप्लाई हो रहा है वो है ये 11 वेट वाला रूल। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यहां पर मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे होता है, यहां पर आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं कस्टम और यहां से बेसिकली मैं H1 को खत्म कर दूंगा ताकि इसका जो वेट है वो 10 के इक्वल हो जाए। यहां से इसे रिमूव कर दूंगा और इसे भी रिमूव कर दूंगा। यहां पर मैंने इसे कलर कह दिया कि कलर जो है वो रेड हो जाए, सेव। यहाँ पर इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि ये बाकियों के साथ कंफ्लिक्ट ना करे। ओके, रिफ्रेश और अब आप देख सकते हैं कि ये असाइन हुआ है और यहाँ पे सॉरी मैं वेट लिखना भूल गया, वेट, क्योंकि इसका वेट भी 10 है, इसका वेट भी 10 है और इसका वेट भी 10 है और ये क्योंकि बाद में आ रहा है, ऑर्डर मैटर्स, दोनों का वेट इक्वल था, इस वजह से ये असाइन हो गया। अगर मैं इसको ऊपर मूव कर दूंगा यहां पर इससे पहले तो आप दोनों का वेट सेम है, क्लास वाला रूल बाद में अप्लाई हुआ है, उसका वेट उतना ही है जितना एट्रीब्यूट वाले का वेट है, तो इस वजह से अब ये क्लास वाला रूल अप्लाई होगा। रिफ्रेश और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे ये स्पेस खत्म कर दूंगा
और इस एट्रीब्यूट रूल को नीचे ले आऊंगा। यहाँ पर आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने सीखा हुआ है इक्वल लगा के स्टार्टिंग वर्ड एंडिंग वर्ड वो सारा काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे H1 एट्रीब्यूट लिख दूंगा तो एंड रिजल्ट सेम ही देगा क्योंकि अभी भी इसका वेट सेम ही है। रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट वाला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर और कम्बिनेटर सिलेक्टर, और लास्टली हम स्टडी करेंगे वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर। यहां पर बेसिकली इसे मैं रिमूव कर दूंगा से और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, यहां पर मैं इसे टोटली रिमूव कर दूंगा। कंटिन्यू करते हैं सूडो क्लास सिलेक्टर से, मैं यहां पे वापस आऊंगा और होपफुली आपको याद होगा कि सूडो क्लास सिलेक्टर में हमने काफी सूडो क्लास सिलेक्टर स्टडी किए थे जिसमें होवर आ जाता है, फोकस और इस तरह और भी बहुत से। बेसिकली अभी जो मैं यूज करूंगा क्योंकि इसको जो वेट असाइन हो रहा है वो है 10 का, और आपको क्लियरली शो करवाने के लिए यहाँ पे जो मैं सूडो क्लास सिलेक्टर यूज करूंगा वो है फर्स्ट चाइल्ड, ये सूडो क्लास सिलेक्टर मैं यूज करूंगा। मैं यहाँ पे HTML में आऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले एक div इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और उसमें दो p टैग इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, दोनों को एक क्लास असाइन करूंगा p, यहाँ पे p क्लास लिख दूंगा जो कन्वेंशन में ऊपर यूज कर रहा हूँ, और यहां पर भी मैं Zions वेबसाइट URL मैंने ये एक ऐड कर दिया https://zions.com/buy ये मैंने ऐड कर दिया। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसे सेव करूंगा, यहां पर आके रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये शो हो रहा है। वापस आ जाऊंगा CSS में क्योंकि ये मैंने यहीं पे छोड़ दी थी, इस वजह से एरर आ रहा है। मैं सबसे पहले div एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और इसको क्लास दे देंगे हम, क्योंकि हमने ये भी कन्वेंशन एक बनाई हुई है कि हम क्लास से सिलेक्ट किया करेंगे, टैग नेम से सिलेक्ट नहीं किया करेंगे। ये ऊपर मैंने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका वेट इसलिए सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं div1 इसको क्लास दे देता हूँ और वापस आके यहाँ पर इसे .div1 कह देता हूँ, और उसमें मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करते हुए पी को के साथ स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर बेसिकली पैंथेसिस ऐड कर दूंगा। ये बेसिकली हमारा फर्दर डाउन द लाइन था लेकिन ये अभी आ गया क्योंकि मुझे फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना था, तो उसके लिए मुझे ये सेटअप चाहिए था। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर से, उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डॉट पी क्लास ये ऐड करता हूँ क्लास और इस पे कलर असाइन करता हूँ यहाँ पर रेड, और यहाँ पे मैंने अभी कुछ असाइन नहीं किया, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कलर असाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे वापस आके मैं कलर को ग्रीन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैग नेम है, ये क्लास है, लेकिन ये वाला जो क्लास नेम है क्योंकि ये पेरेंट का है, ये इस सिलेक्टर का नहीं है। यहाँ पे मेन जो हम चीज सिलेक्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ टैग है, ना कि div टैग, तो इस वजह से ये काउंट नहीं होता, ये जो div है ये काउंट नहीं होते। div के बाद जो भी लिखा होता है, जो फाइनल सिलेक्टर होता है वो काउंट होता है, वो मैं आपको भी बता देता हूं कैसे काउंट होता है। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसका कलर ग्रीन हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे, यहां से हमारे ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट और कम्बिनेटर सिलेक्टर, और हम स्टार्ट करेंगे कम्बिनेटर सिलेक्टर से। मैं इसको यहां से भी ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि ये इजी हो। अब हम कम्बिनेटर सिलेक्टर को पहले स्टडी करेंगे, सेव, और इसे मैं यहां पे मूव कर देता हूं और HTML में आ जाता हूं। कम्बिनेटर सिलेक्टर को स्टडी करने के लिए मुझे यहां पर बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के साथ HTML कंटेंट चाहिए। मैं यहां पर एमिट को यूज करते हुए थोड़ा सा HTML कंटेंट लिखूंगा और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको एमिट को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हमारे पास शॉर्ट हैंड वे है वो है डॉट जो भी क्लास लिखनी हो div1 और उसके बाद इसमें चाइल्ड ऐड करना है तो ग्रेटर देन सिंबल, और मैं पैराग्राफ टैग ऐड करना चाहता हूं जिनको मैं क्लास असाइन करना चाहता हूं तो उसके लिए डॉट क्लास के लिए पी क्लास, ये मैंने क्लास का नाम ऐड करना था, और मैंने ये तीन एलिमेंट ऐड करने हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा 3, और ये मेरी ऑटो कम्प्लीशन खत्म हो गई है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं एंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऑटो कम्प्लीशन को वापस लाने के लिए मैं ऑप्शन प्लस एस्केप दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन, और यहाँ पे ये मुझे दिखा भी रहा है कि जो एंड रिजल्ट होगा वो किस तरह का होगा, मुझे यही चाहिए, मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर ये मेरे पास एंड रिजल्ट आ गया। मैं इन सब में कंटेंट ऐड कर दूंगा सिंपल Zions वेबसाइट
और उसका लिंक ऐड कर दूंगा https://zions.com/bio, और इसको बेसिकली मैं दो दफा पेस्ट करके दोनों को रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करके इसको स्टाइल कर दूंगा, जो कि होगा .dev1, यही मैंने क्लास असाइन किया है यहाँ पर जी, और स्पेस पी, और मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे टैग नेम यूज किया, और मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये हो गया। अब इसका वेट किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, बेसिकली ये जो क्लास है ये कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि ये पेरेंट सिलेक्टर है, ये इस चाइल्ड के सिलेक्टर में पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एड अप नहीं होता। मेन जो चीज ऐड होती है वो ये डिसेंडेंट सिलेक्टर, जो स्पेस के साथ डिसेंडेंट सिलेक्टर है वो ऐड होता है, और वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है, उसका वेट क्या है 10, मीन के जो सबसे पहली चीज यहां पे आ गई वेट में, वेट इक्वल टू 10, वो किसका आ रहा है, ये डिसेंडेंट सिलेक्टर का आ रहा है स्पेस का। और यहां पे मैं बेसिकली क्लियर करने के लिए आसान अल्फाज में यहां पे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर लगा देता हूं, तो ये जो 10 लिखा है मैंने, ये इस डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर का जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जो भी यहां पे यूज किया उसका लिख रहा हूं, ना कि मैं ये जो पहला पेरेंट डिव है, क्योंकि ये पेरेंट डिव को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम पेरेंट डिव के थ्रू इस पी टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो सिलेक्टर स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले चाइल्ड सिलेक्टर आ गया जो कि एक कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है जिसको कि वेट 10 असाइन होता है, और उसके बाद ये पी टैग आ रहा है जो कि टैग नेम है और उसको वेट असाइन होता है 1, मीन के इसका टोटल, इस सिलेक्टर का जो टोटल वेट है वो है 11, ये हो गया। अब मैं कौन सा ऐसा सिलेक्टर लिख सकता हूं जिसका वेट एग्जैक्टली 11 होगा, हमारे पास 2 से 3 केसेस हैं, एक तो हम इसी को रिपीट कर लें, दूसरा हमने ये देखा था कि जब हम क्लास के साथ इसको लिखते हैं टैग नेम को तो तब भी उसका वेट 10 होता है, और तीसरा हमारे पास जब हम एट्रीब्यूट के साथ इस टैग नेम को लिखते हैं तो उसका वेट भी 11 होता है। मैं यहाँ पर तीनों केसेस को शो करवा देता हूँ जल्दी से, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इसके साथ यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके पी डॉट पी क्लास ये केस मैं शो करवा देता हूँ, और यहाँ पर फाइनल जो केस है उसको भी मैं शो करवा देता हूँ एट्रीब्यूट वाला, उसके लिए मुझे इसको कोई एट्रीब्यूट देना पड़ेगा तीनों को, यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ जायोंस कस्टम, ये मैंने एट्रीब्यूट दे दिया, यहाँ पर आके मैंने एट्रीब्यूट दे दिया जायोंस कस्टम, और कलर मैंने चेंज कर दिया ग्रीन, और यहाँ पर ऑरेंज, और यहाँ पर पर्पल। सेव किया, और ये सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, वो क्लास सिलेक्टर। सेव किया, और अब बेसिकली इसका वेट भी 11 है, इसका वेट कैसे 11 है, ये चाइल्ड सिलेक्टर जो कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है 10 उसका वेट है, एक टैग नेम का है, उसके बाद ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैंने दोबारा लिख दिया ये शो करवाने के लिए कि ये बाद में आ रहा है तो इस वजह से ये अप्लाई होगा। उसके बाद अब इसका वेट भी बिल्कुल वही है, मैं अभी के लिए यहां से पी को हटा देता हूं, अब इनका वेट जो है वो 10 हो गया, ओके अभी के लिए इनका वेट 10 हो गया दोनों का, ताकि मैं ऊपर से नीचे शो करवा सकूं, और ये क्योंकि इसका वेट 11 है यहाँ पे मैंने ग्रीन का है तो अब ये ग्रीन में हो जाएंगे। एक चीज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मैं पी लगाऊंगा, ओके एक वेट इसको टैग नेम को मिला 10 उसको मिला, टोटल इसका 11 हो गया, ये इक्वल हो गया ऊपर वाले के, अब ये अप्लाई हो जाएगा, ऑरेंज हो गया। अब मैं इधर अगर पी ऐड कर देता हूँ, एक उसको मिला, 10 एट्रीब्यूट सिलेक्टर को मिला, टोटल 11 हो गया, अब ये अप्लाई हो जाएगा, ओके इस तरह ये काम चल रहा है। और इसी तरह मैं चाहूं तो इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं कि मैं इसको डुप्लीकेट करके एक दफा और पेस्ट करता हूं और सेव करता हूं और यहां पर क्लास भी ऐड कर देता हूं पी क्लास, तो अब इसका टोटल वेट कितना हो गया, 10 इसको मिल रहा है, एक टैग नेम को मिल रहा है, और 10 ही फिर क्लास को भी मिल रहा है, तो मतलब 10+1+10=21, ये 21 वेट हो गया, इसलिए अब ग्रीन अप्लाई होगा। और यहां पर बेसिकली मैं इसको ग्रीन की जगह कुछ और कर देता हूं ऊपर वाले को, मैं उसे एक्वा कलर दे देता हूं, एक्वा सेव, या फिर नीचे वाले को एक्वा देते हैं ताकि हम नया कलर देख सके, इसको मैंने एक्वा दिया, यहां पर सेव, और यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि उसका वेट ज्यादा था वो अप्लाई हो गया, तो ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं सुडो क्लास सिलेक्टर पे, होपफुली आपने इसे गेस कर लिया होगा, मैं यहां से इसको बेसिकली सारे को ही कमेंट आउट कर लूंगा, इनको सबसे पहले अनकमेंट करूंगा ताकि मैं
एक साथ ही सबको कमेंट कर सकूं। यहां तक मैंने कमेंट अनकमेंट किया और इन सबको एक साथ कमेंट कर दिया, सेव रिफ्रेश और ये बाय डिफॉल्ट में आ गए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ डॉट डिव वन और इसके साथ चाइल्ड सिलेक्टर के साथ पी इसको सिलेक्ट किया, कलर रेड। और यहां पर बेसिकली मैं क्योंकि सूडो क्लास सिलेक्टर को दिखाना चाह रहा हूं तो मैं यूज करूंगा कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, सॉरी नॉट फर्स्ट। सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो नो डाउट ये हो गया। लेकिन इसको प्रॉपरली शो करवाने के लिए इसका वेट कितना होगा यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं वेट वाली लाइन को कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट करूंगा, इसे रिमूव करूंगा, कमेंट कर दूंगा। तो टोटल वेट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का 10 आ गया, पी टैग का 1 आ गया और सूडो सिलेक्टर का यहां से देख लेंगे कि उसको भी 10 ही होता है। मेन केस का जो टोटल वेट है वो 21 आ रहा है। ओके, रिफ्रेश करूंगा, ये इसका टोटल वेट है। तो अगर मैं एक और सिलेक्टर बना देता हूं जिसका टोटल वेट 21 हो, जो कि मैं बना सकता हूं सिंपल पी, एक वेट होगा, इसको क्लास नेम असाइन कर दिया, टोटल 11 हो गया और साथ ही मैंने एट्रीब्यूट भी असाइन कर दिया, टोटल 21 हो गया। और इसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन। ओके, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ओवरराइट हो गया। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, यहां पर पेस्ट कर दूंगा यहां पे और इसका यहां पे ये कॉपी करके देख दूंगा तो अब दोनों का क्योंकि वेट सेम है तो ये वाला अप्लाई होगा। रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं कि पहले पे वो अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों का वेट सेम था और ये बाद में लिखा गया है इस वजह से। लास्टली सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, बेसिकली ये बिल्कुल सेम काम करता है जैसे टैग नेम, क्योंकि ये बिफोर आफ्टर मार्कर ये स्पेशल एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनको एक वेट असाइन होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बिफोर में यहाँ पर कंटेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एडिट बाय CSS ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने बेसिकली कलर असाइन कर दिया है एक्वा का। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सेपरेट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बेसिकली टैग की प्रॉपर्टीज के साथ। जो टैग को प्रॉपर्टीज है वो बिफोर को अप्लाई नहीं होती, वो बिफोर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज खुद यहाँ से CSS की लेके चलता है, तो इस वजह से उसको जो प्योरिटी असाइन होती है, जो वेट असाइन होता है वो 1 का है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये इसको 1 का वेट असाइन हो रहा है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि इसको 1 इसका भी मिल रहा है, लेकिन बिफोर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिफोर ये एक सेपरेट एलिमेंट है। ओके, ये H1 का एक सेपरेट एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया तो ये एक न्यू HTML एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, इस वजह से इसका ओवरऑल वेट 1 है। ये H1 कंसीडर नहीं होगा, उस पर हम वो एलिमेंट लगा रहे हैं। इसलिए लास्टली हम ये स्टडी कर लेते हैं वाइल्ड कार्ड, इसकी जो प्योरिटी है ये सबसे कम है 0 पे। मैं इसको अगर एंड पे भी लिख दूंगा, यहां पर सबसे एंड पे वाइल्ड कार्ड कलर ब्लैक, मैं रीसेट करने की कोशिश करता हूं तो ये किसी पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सबका मैंने कलर जो है किसी ना किसी सिलेक्टर से दिया हुआ है जिसका वेट 0 से ज्यादा है, क्योंकि मिनिमम जो H1 टैग नेम का भी जो वेट है वो 1 है जो कि 0 से ज्यादा होता है, इस वजह से ये अप्लाई नहीं हुआ अभी तक किसी पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह यहाँ पे एक कुछ और कर देता हूँ, बेसिकली पर्पल कर देता हूँ और यहाँ पे एक और H2 इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, Zions एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे लेट से और https://zions.com/address ये मैंने इसका एड्रेस का URL दे दिया। यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसको अप्लाई हो गया है क्योंकि मैंने H2 को किसी भी तरह कलर और असाइन नहीं किया, इस वजह से ये जो वाइल्ड कार्ड था वो अप्लाई हो गया। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी डन हो गया, हमने वेट्स को प्रॉपरली स्टडी किया, हर एक वेट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको इन डेप्थ डिटेल में स्टडी किया कैलकुलेट करके एक एक को, और साथ में हमने एग्जाम्पल्स भी काफी ज्यादा एग्जाम्पल किए हैं जिससे कि होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वेट कब अप्लाई होता है, वेट को कैलकुलेट कैसे करना है और भी क्या क्या चीजें हैं जो कि मैटर हो सकती हैं। और प्लीज एक चीज को याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट का कीवर्ड मैं किसी के साथ भी लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी स्पेसिफिटी उनका वेट क्या है, फिर जहां पे इंपॉर्टेंट लगा होगा उसको कह लें कि आप इसको वेट अगर मीन के
आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर में करना है तो इसको इन्फिनिटी वेट असाइन हो जाता है। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सबको साइन हो गया। और एक बात जो रह गई वो यही है कि बिफोर ये, क्योंकि एक्चुअल ये वाले एलिमेंट्स नहीं थे, यहाँ पे HTML में कोई एलिमेंट नहीं था, ये CSS के थ्रू ऐड हुआ है। इस वजह से ये जो वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर है ये इनको सिलेक्ट नहीं करता, वाइल्ड कार्ड सूडो एलिमेंट्स को सिलेक्ट नहीं करता। और बाकी आप देख सकते हैं कि हर एक को इसने ओवरराइट कर दिया, इसलिए इंपोर्टेंट को हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के हम किसी थर्ड पार्टी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने सही तरह CSS को ऐड नहीं किया। इस वजह से हमें इंपोर्टेंट का कीवर्ड शायद यूज करना पड़ जाए। रिफ्रेश करूंगा और यहां पर ये सेट हो चुका है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, जिसमें कि हमने डिटेल में देखा कि कौन से CSS के सिलेक्टर को क्या वेट असाइन होता है, और हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कि कौन सा CSS का रोल एट द एंड अप्लाई होता है HTML एलिमेंट्स पे। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पहले से आता था और कौन सा कॉन्सेप्ट आपने इस वीडियो में से सीखा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.